गुड मॉर्निंग एवरीवन. लास्ट वीक वी हैव स्टार्टेड आवर सेकंड लेसन ऑफ जियोग्राफी, दैट इज एग्रीकल्चर. इन द होल बुक इट इज फोर्थ लेसन, बट द लेसन सेकंड एंड थर्ड, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, हैज टेकन आउट फ्रॉम द सिलेबस बाय सीबीएसई. देयर इज अ रिवाइज सिलेबस इश्यूड बाय सीबीएसई यस्टरडे इन द इवनिंग. I have already sent a link to you. Go through that particular syllabus. We will proceed accordingly. The lesson water which was taken out by CBSE last year, it was included, it is included now in map work. It means whatever topics which can be considered as map will be taken from the second lesson, that is water, in the book. And CBSE has taken out 2 to 3 lessons. So go through those particular syllabus and we will proceed accordingly. This is in our syllabus. We are going to proceed with it now. Agriculture, we have discussed about different types of agriculture, like shifting agriculture with different names. It was a part of primitive subsistence agriculture. Then after intensive, then after commercial agriculture, and one part was plantation. So we have discussed about all these. And it is one of the major economic activity in India. More than 60% population of India is engaged in agriculture. Now, cropping pattern in India. Cropping pattern ki kis prakar kheti kis season ke anusar hoti hai hamare yahan. There are diversity in the physical features also. Aapne 9th standard mein padha tha physiographic division of India. Bhogol ki vibhajan ka aapne usme 6 bhag padhe the. Mountains, plateaus, deserts, coastal plains, island groups. तो उसी प्रकार हमारे यहां जो डायवर्सिटी फिजियोग्राफिक डिवीजन में, फिजिकल फीचर्स में, हमारी कल्चर में, हमारी संस्कृति में, उसी प्रकार की डायवर्सिटी में एग्रीकल्चर में दिखाई देती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया. अलग अलग प्रकार की फसलें भारत में उगाई जाती हैं. एंड दीज आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन, एग्रीकल्चर सीजन. इसको हमने अलग अलग एग्रीकल्चर सीजन में डिवाइड कर दिया कि किस टाइम पर कौन सी फसल उगाई जाएगी, उसके लिए अलग अलग हमने नाम दे दिए. तो क्रॉपिंग पैटर्न में हमारे यहाँ उन सीजन्स का डिस्कस करेंगे हम. और एक एग्रीकल्चर सीजन की आपने एक तो डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, फ्रॉम द ग्रोइंग टू द हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर सीजन. किसी भी फसल के उगाने से लेकर लास्ट में उसको निकालने तक का जो प्रोसेस है उसका एग्रीकल्चर सीजन है. इस प्रकार हमने इसको क्रॉपिंग पैटर्न में एग्रीकल्चर सीजन को 3 हिस्सों में बांटा है. कौन कौन सा? रबी, खरीफ, जैद. हालांकि ये इट इज प्रैक्टिस्ड इन द एरियाज वेयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज सफिशियंट, पानी पर्याप्त है उन जगह पर. अदरवाइज देर आर टू मेजर सीजन, मुख्य तौर पर हमारे दो ही सीजन है अगर एग्रीकल्चर सीजन को, रबी एंड खरीफ. तीसरा मैंने पहले ही बताया, जहां वाटर की अवेलेबिलिटी हो तो कुछ समय जो हमें दो फसलों के बीच में गैप मिले उसके बीच में इसको कर लिया जाता है इस तीसरे सीजन को. तो रबी, अब ये हमारे यहां इट इज ऑल्सो द विंटर सीजन, हमारी सर्दियों की फसल है. ग्रोन इन अक्टूबर टू दिसंबर, ज्यादातर हमारे यहां इसकी जो बिजाई शुरुआत में बीज डाले जाते हैं वो कहां है? अक्टूबर से लेके और दिसंबर तक. हालांकि आपके बुक में जो हार्वेस्टिंग दे रखी है, यानी इसका लास्ट पकने के बाद निकालने का समय दे रखा है, वो दे रखा है अप्रैल टू जून. लेकिन ये जून तक कोई भी फसल नहीं जाती है. अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें तो ज्यादातर फसलें जो हार्वेस्टिंग है वो आइदर अप्रैल और मैक्सिमम में जून तक कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो कि हमारे पास रबी की हो जिसकी की हार्वेस्टिंग जून तक जाती हो. तो हमारे यहां मैक्सिमम, हालांकि बुक को ही रेफर करेंगे हम, एनसीईआरटी बुक इज द ऑथेंटिक वन, तो उसके अनुसार हमारे पास अगर हम बात करें अभी सीजन की कहां से कब तक है, अक्टूबर दिसंबर में इसकी ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स एंड हार्वेस्टिंग इन अप्रैल एंड अप्रैल टू जून. अब इसके अंदर हमारे यहां महत्वपूर्ण फसलें, रबी की फसल की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण फसलें हमारे पास कौन कौन सी हैं? लक्ष्मणगढ़ के आसपास भी हमारे यहां बहुत सारी खेती होती है, तो मोस्ट ऑफ अस आर बिलोंगिंग टू द रूरल एरियाज, तो वी मस्ट अवेयर अबाउट ऑल दीज क्रॉप्स, हमें खुद मालूम होना चाहिए. वीट, बार्ले,
ग्राम, मस्टर्ड, पीस एटसेट्रा, ये बहुत सारी फसलें हैं ऐसी जो हमारे यहां इस सर्दियों की फसलें हैं जो कि अक्टूबर दिसंबर में उगाई जाती है और अप्रैल से जून तक इनको काट लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। ये हमारी महत्वपूर्ण फसलें। अगर हम वीट की बात करें या फिर इन सारी फसलों की बात करें जो कि हमारे पास जात रबी की क्रॉप्स हैं, इनमें एक चीज आप देखो कि जो एरिया है हमारा नॉर्थ वेस्ट का, उसमें ज्यादातर प्रोडक्शन फसलों का उसी एरिया में होता है। ज्यादातर प्रोडक्शन हमारे यहाँ इन फसलों का, रबी की जो मेजर क्रॉप्स है हमारे पास वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, इनका ज्यादातर प्रोडक्शन नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट भी ज्यादा नहीं है, उसमें भी कुछ राजस्थान या फिर पंजाब को नॉर्थ वेस्टर्न काउंट करेगा। हमारे इसका प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अब तो जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे महत्वपूर्ण जो एरिया है उस प्रदेश का जो प्रोडक्शन होता है, ये हमारे पास वो एरिया है जिसमें इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्शन है। अब वीट इज ऑल्सो द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन स्टेट में स्टेपल फूड क्रॉप भी है, यहां सबसे ज्यादा खाने में इस्तेमाल होने वाली फसल है। अब हम अगर बात करें दूसरी हमारी फसल, वो है खरीफ, जिसके लिए हम अब सीजन देखें, इसका कब से कब तक था, अक्टूबर दिसंबर से लेकर अप्रैल टू जून। अब हमारे पास खरीफ, अगर खरीफ की बात करें तो पहले इसके भी समय की बात करें हम, तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ऑनसेट ऑफ मॉनसून मॉनसून की शुरुआत, तो मॉनसून की शुरुआत की बात करें तो हम जून जुलाई, तो वहां से स्टार्ट करके और हार्वेस्टिंग कब तक, आपने रबी की ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स कब देखा था, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, तो इसकी हार्वेस्टिंग से पहले होगी तभी तो आगे की फसल उगेगी रबी की। तो हमारे पास इसके अगर सीजन की बात करें, ऑनसेट ऑफ मॉनसून मॉनसून की शुरुआत से लेके और हार्वेस्टिंग इसकी कब होती है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून ये तो ग्रोइंग है, और इसकी हार्वेस्टिंग की बात करें तो कब तक आ जाती है, सेप्टेम्बर अक्टूबर, सेप्टेम्बर अक्टूबर तक इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। अब फिर इसमें भी अगर हम इस समय की महत्वपूर्ण फसलों की बात करें, जैसे हमने उसमें पढ़ा था वीट, बार्ले, इसकी अगर महत्वपूर्ण फसलों की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण तो है राइस, इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे यहां मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो राइस का कंजम्पशन करती है, तो राइस। उसके बाद जो हमारे पास ज्यादातर दालें हैं, देखो ग्राम हमने चना पड़ा था रबी में, बाकी ज्यादातर हमारे पास चाहे वो मूंग है, उड़द है, अरहर, इसको आपने इसमें ये भी लिखा हुआ है, उसके साथ जैसे राइस के साथ साथ फिर उसके बाद कॉटन है, तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण फसलें हैं इसकी खरीफ के सीजन की, हमारे पास महत्वपूर्ण फसलें हैं किसकी, खरीफ के सीजन की। अब इसमें अगर हम राइस की बात करें, क्योंकि वी कंसिडर इट एज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, क्योंकि हम भारत की इसकी स्टेपल फूड क्रॉप मानते हैं, मेजोरिटी पॉपुलेशन यूज करती है इसको खाने में, तो इसको ज्यादातर हमारे पास जो इलाका है वो कहां से स्टार्ट करते हैं, असम, असम से फिर वेस्ट बंगाल, बंगाल से उड़ीसा, उड़ीसा के भी कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन फिर आंध्र प्रदेश से नीचे आ जाए तमिलनाडु, केरल, और ऊपर जो हमारे पास हमने कोंकण पढ़ा था कोस्ट, नाइन्थ क्लास में हमने डिवाइडेशन पढ़ा था वेस्टर्न वेस्टर्न घाट के, तो उसमें जो कोंकण वाला हमारा कोस्टल एरिया है वहां तक इसकी राइस की प्रोडक्शन होती है। हालांकि इसके साथ साथ जहां हमारे पास थोड़ी सी इरीगेशन की फैसिलिटीज बढ़ी, तो हमारे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्से में भी इसकी हमारे पास खेती की जाती है राइस की। तो हमारे पास ये हो गए दो सीजन, रबी और खरीफ। अब बता तीसरा, ये ज्यादातर जो हमारे पास समर टाइम में थोड़ा सा बीच में समय होता है, दोनों फसलों के बीच में थोड़ा समय रहता है, तो उस दौरान हमारे पास ये जो जैद की क्रॉप है इसकी खेती की जा सकती है। और वो कौन सा समय, अब आप देखेंगे मैंने शुरुआत में बताया था रबी क्रॉप की ज्यादातर हार्वेस्टिंग कब तक हो जाती है, अप टू मे ओनली, अप्रैल मई में हो जाती है। उसके बाद हमारे पास ऑनसेट ऑफ मॉनसून की बात करें तो कई बार ये हम जुलाई तक कंसिडर करते हैं, जुलाई तक, तो हमारे पास लगभग मई से लेकर जून का जो समय बचता है
इसमें जो हार्वेस्टिंग कर ली जाए, एक फसल और ले ली जाए, इरिगेशन की फैसिलिटी हो, पानी की अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि इरिगेशन तो चाहिए, तो हम तीसरी फसल के तौर पर उगाते हो क्या है, जैद। और इसकी अगर बात करें जैद की, तो इसके अंदर मस्टमेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये जो हमारे पास है ये जैद की क्रॉप्स के तौर पर हम इनको उगा लेते हैं। बीच में विच इंक्रीज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, जहां फैसिलिटी है हमारे पास इरिगेशन की, तो थोड़ी सी उनको इकोनॉमिक मदद और मिल जाती है, फसलें उगाई जा सकती हैं। तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण थे तीन सीजन, रबी, खरीफ और जैद। इनमें से इंपॉर्टेंट सब ये है, ये जब हमारे पास समर के टाइम पर जो लेजर टाइम होता है, बीच का समय रह जाता है, जिसमें कि हमारे पास ऑनसेट ऑफ मानसून की बात करें, मानसून से लेके और लास्ट हार्वेस्टिंग हुई रबी सीजन की, बीच में जो उगाई जाए वो जैद है। अब हमारे पास अगर हम महत्वपूर्ण फसलों की बात करें, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। अब मेजर क्रॉप्स में पहले तो हम बात करते हैं जो हमारे पास फूड क्रॉप्स है, खाने की फसलें, उन्हीं की शुरुआत करें। हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, राइस इज नोन एज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पब्लिक इसको इस्तेमाल करती है फूड क्रॉप के तौर पर, तो राइस हमारी स्टेपल फूड क्रॉप है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद इट। हालांकि हमारे यहां हर प्रकार की फसलें, जिसमें हम चाहे फाइबर क्रॉप्स हैं, चाहे हमारे पास ये फूड क्रॉप्स हैं, बेवरेज क्रॉप्स हैं, उसके बाद स्पाइसेस है, हर तरह की फसलें होती हैं, उन्हीं में से हम पहली है हमारी फूड क्रॉप से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास राइस। अब राइस के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या, पहला तो हमने पहली पढ़ा कौन सी फसल खरीफ की है, उसमें आपका पैडी लिखा हुआ है। राइस कई बार आप कंफ्यूज कर देते हैं, ये है पैडी, धान, यानी राइस तो आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड टेकिंग आउट द ग्रेन फ्रॉम दैट पैडी। अगर हम बात इसके ऊपर जो छिलका होता है उतारने के बाद जो हमारे पास खाने के लिए तो राइस है, अदरवाइज फसल को हम क्या बोलते हैं, पैडी, धान। अब ये हमारे पास पहला हमने पढ़ा सीजन खरीफ की है। अब देखो खरीफ का सीजन कौन सा था, समर, स्वाभाविक से बात टेम्परेचर ज्यादा थी। अब इसमें टेम्परेचर की अगर बात करें तो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। उसके साथ साथ हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बनी रहे, उसके बाद ये वाटर इंटेंसिव, पानी ज्यादा लगता है इसमें, तो लगभग 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ये इसके लिए बारिश की रिक्वायरमेंट। अगर हम मिट्टी की बात करें तो देखो एलिवल प्लेन तो है, सबसे सुटेबल है, उसके अलावा बाकी में भी डेकन प्लेटू वाला हिस्सा, उसमें भी हो सकता है, सैंडी सोइल हमारे राजस्थान की, उसमें भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद हमारे जो कोस्टल रीजन है उसमें, तो इसकी महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो खरीफ की फसल है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर दिए और 100 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली, लगभग साल में इतनी बारिश की रिक्वायरमेंट है इसके लिए। स्टेबल फूड क्रॉप है इंडिया की, सबसे ज्यादा कंज्यूम हमारे पॉपुलेशन, अगर पूरे भारत की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन कंज्यूम राइस एज स्टेबल फूड क्रॉप। एरिया हमने जब डिस्कस किया था सीजन, तो हमने पढ़ लिया था आसाम, देन आफ्टर बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, अप टू द कोंकण कोस्ट, इवन अप टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का उत्पादन होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन कई बार एक एक नंबर में रिपीट हुआ है, इसके तीन ओस, अमन, बोरो, ये क्या है, ये बहुत बार एक नंबर में रिपीट हुआ है। ये राइस की फसल कई बार, थ्राइस ही नहीं है, तीन बार प्रोडक्शन लिया जाता है इस फसल का, और ये जगह इन तीनों के फसलों के नाम है, यानी शुरुआत में आया ओस, फिर अमन, फिर बोरो। कौन से इलाके में, आसाम, बंगाल और उड़ीसा, आसाम, बंगाल और उड़ीसा के अंदर राइस की तीन फसलें ले ली जाती है, तो उनका नाम है ओस, अमन और बोरो। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ओस, अमन और बोरो आर द नेम्स ऑफ द पैडी क्रॉप्स विच आर ग्रोन थ्राइस इन ए ईयर इन द एरिया ऑफ आसाम, बंगाल एंड उड़ीसा। अब हमारे पास अगर सेकेंड अगर इसकी बात करें तो दूसरी महत्वपूर्ण जो फूड क्रॉप्स हमारे पास कौन सी है, व्हीट, गेहूं, कौन सी, ये हमने पहले कौन सी है, ये रबी की है,
अब वापिस देखो, पहला मैंने टेम्परेचर को अगर आपको देखना हो तो पहले से अंदाजा लगाया था, खरीफ की थी, गर्मी है तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। इसकी ग्रोथ के लिए एक कूल एनवायरमेंट इज रिक्वायर्ड, इसकी शुरुआत की ग्रोथ के लिए ठंड चाहिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग जब पकने का समय हो तो सनशाइन शुड बी देयर, कि अच्छी सूर्य की रोशनी हो। अब सर्दी की फसल है तो स्वाभाविक सी बात है इससे कम पानी की जरूरत पड़ेगी, तो 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल में हो सकता है एनुअली, ऐसा नहीं एक दिन में इतनी बारिश हो जाए खत्म ही हो जाएगी, लेकिन एनुअली है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कि समय समय पर यह बारिश होती रहे तो इतनी बारिश होती रहे। अब उसके साथ साथ ये हमारे पास नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट उसकी स्टेबल फूड ग्रुप है। इसका महत्वपूर्ण प्रोडक्शन की बात करते कौन से एरिया, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये इसका महत्वपूर्ण प्रोडक्शन के एरियाज है राइस के। तो आज हमने क्रॉपिंग पैटर्न के हमारे तीन सीजन, उसके बाद देर आर टू मेजर फूड क्रॉप्स राइस और व्हीट, इनकी जो फीचर्स हैं, और ज्यादातर ये तीन नंबर में आता है तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक रिपीट हो जाता है, फूड क्रॉप्स में राइस है व्हीट की फीचर्स पूछ जाती है, अगर पांच में आता है बोथ आर देयर, कि दोनों पूछ जाते हैं मेजर टू फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड राइट मेजर रिक्वायरमेंट्स और क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज क्रॉप्स। गो थ्रू दीज टॉपिक्स, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस।